नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार थर्ड एम्पायर से हो गई बड़ी गलती और आउट हुए खिलाड़ियों को दे दिया नॉट आउट, और जानते हैं फिर क्या हुआ। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आप भी भारतीय टीम को दुनिया की सबसे महान टीम मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरा T20 मैच खेला जा रहा है, तो जिसके चलते भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत ने एक बड़ी गलती की। दरअसल ऋषभ पंत ने मैच के छठे ओवर में स्टंप्स से पहले ही गेंद को पकड़ लिया और फिर स्टंप कर दिए, जिसे थर्ड एम्पायर ने पकड़ लिया और खिलाड़ी को नॉट आउट करार दे दिया। तो जिसके बाद एक और ऐसा मौका आया जब खुद थर्ड एम्पायर से भी गलती हो गई। दरअसल युजवेंद्र चहल भारतीय पारी का 13वां ओवर करा रहे थे। इस ओवर की आखिरी गेंद पर सौम्य सरकार ने स्टेप आउट कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद विकेट के पीछे चली गई। तो उधर विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत ने आराम से गेंद को पकड़ा और फिर स्टंप आउट कर दिया, लेकिन अभी तक फील्ड एम्पायर ने अपना कोई निर्णय नहीं दिया था। तो स्क्वायर लेग एम्पायर ने थर्ड एम्पायर को फैसला देने के लिए रेफर किया, तो जिसके चलते थर्ड एम्पायर अनिल चौधरी थे। तो उन्होंने ऋषभ पंत के ग्लव्स को फिर से चेक किया और जांचा कि वो कहीं बाहर तो नहीं निकल गए हैं। तो इसके लिए थर्ड एम्पायर ने थोड़ा समय लिया और कैमरामैन से कहा कि वे बड़े स्क्रीन को दिखाएं, क्योंकि वो फैसले के लिए तैयार हैं। तो वहीं थर्ड एम्पायर अनिल चौधरी ने सौम्य सरकार को नॉट आउट दे दिया, जो कि साफ साफ आउट हो रहे थे। हालांकि गलती स्वीकार करते हुए कुछ ही सेकंड में उन्होंने अपना नतीजा बदला और सरकार को वापिस पवेलियन जाना पड़ा, और उन्होंने इस दौरान उन्हें नॉट आउट से आउट करार दिया। तो जिसके चलते पूर्व भारतीय कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे ऋषभ पंत बतौर विकेट कीपर काफी पिछड़ रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि ऋषभ पंत ऐसी जल्दबाजी के चक्कर में तमाम गलतियां करते रहते हैं, जो कि आज के मैच में भी उन्होंने दोहराई, जिसका खामियाजा भारतीय टीम को भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में जल्दबाजी भरी स्टंपिंग उन्होंने राजकोट T20 इंटरनेशनल मैच में भी की थी, जिसमें बल्लेबाज काफी दूर था लेकिन उनके दस्ताने स्टंप से भी आगे चले गए थे। तो ऐसे में उनको अब इस चीज पे ध्यान देना होगा और वो स्टंपिंग वगैरह पर भी अब उन्हें ध्यान देना होगा, प्रैक्टिस वगैरह करनी होगी। तो ऐसे में दोस्तों अब आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्या आपने ऋषभ पंत का ये जल्दबाजी भरा कदम टेलीविजन स्क्रीन पे देखा था या फिर नहीं। आप हमें नीचे अपनी राय जरूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।